डेली करंट अफेयर्स की एक नई और एक फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम 30 सितंबर 2020 से टॉप करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो आप ये वीडियो शुरू से लगाकर लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिए। और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो वाल्टेरी बोटास है, इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। अब बात आती है रशियन ग्रैंड प्रिक्स आखिर होता क्या है। जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स होता है या ड्राइविंग के क्षेत्र में दिया जाता है रशियन ग्रैंड प्रिक्स, और 2020 में इसके विजेता रहे वोल्टेरी बोटास। और जो वोल्टेरी बोटास रहे हैं या फिनलैंड के रहने वाले हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर थे, और उसी में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में इनको पहले स्थान पर रखा गया, यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। जो सेकंड नंबर पर आए हैं उनका नाम है मैक्स वारस्टापन, ये सेकंड नंबर पे आए हैं और ये नीदरलैंड के हैं, ये रेड बुल गाड़ी के ड्राइवर हैं। और तीसरे नंबर पे आए हैं लुइस हैमिल्टन और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और तीसरे नंबर पे हैं मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में वोल्टेरी बोटास ने पहले स्थान पर खिताब जीता, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में बीसीसीआई यानी जो भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है, इसने नीतू डेविड को महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नीतू डेविड है या उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली एक महिला है, और नीतू डेविड को बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बात आई है बीसीसीआई की, तो जो बीसीसीआई है या पूरे भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है बीसीसीआई। जो बीसीसीआई है इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। और जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में, जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय वह मुंबई में स्थित है। और जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, उनका नाम है सौरव गांगुली नाम है, जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। और जो प्रेजेंट टाइम पे उप प्रेसिडेंट है उनका नाम है महिम वर्मा नाम है, और जो प्रेजेंट टाइम पे सचिव है उनका नाम है जय शाह नाम है। जो पुरुषों की जो महिला पुरुषों की जो टीम है उसके जो कोच है उनका नाम है रवि शास्त्री नाम है, जो महिला टीम है उसके जो कोच है उनका नाम है डब्ल्यू वी रमन नाम है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के नए ब्रांड अम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में AESL यानी आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के जो नए ब्रांड अम्बेसडर बन गए हैं उनका नाम है युवराज सिंह। जो युवराज सिंह है यह एक इंडियन क्रिकेटर हैं, और युवराज सिंह आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के ब्रांड अम्बेसडर बन गए, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड है यह भारत की एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, और इसके ब्रांड अम्बेसडर युवराज सिंह बन गए हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आती है विश्व रेबीज दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है? तो इसका उद्देश्य जो जानवर और इंसानों के बीच जो रेबीज होता है इसके प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसकी रोकथाम के बारे में लोगों को बताना इस विश्व रेबीज दिवस का उद्देश्य होता है। जो रेबीज होता है यह एक प्रमुख वायरल बीमारी है, और ये जानवरों और इंसान दोनों में हो जाती है, और इसके रोकथाम के लिए और इसके रेबीज के प्रभाव के बारे में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। जो 2020 में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया इसकी आपको थीम याद रखनी, इस बार की थीम है इंड रेबीज कोलोब्रेट वैक्सीनेट, इस बार की थीम है इंड रेबीज कोलोब्रेट वैक्सीनेट, इस बार की थीम आपको याद रखनी है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अभी हाल ही में असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं इनके नाम पर रखा जाएगा। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं ये भारतीय जनसंघ में प्रमुख नेताओं में से एक हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और इनके नाम पर असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर रखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता 2020 जीती?
अभी हाल ही में सिक्किम के जो कलाकार देव प्रसाद राय थे, इन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता 2020 जीती। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्या है राजधानी? गंगटोक है। जो सिक्किम है, इसके जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। नाम है जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर, जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है उनका नाम है गंगा प्रसाद। नाम है जो सिक्किम है, इसकी स्थापना 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। और जो सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है अरुण कुमार गोस्वामी। नाम है क्या? नाम है अरुण कुमार गोस्वामी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस जीता है? तो अभी हाल ही में वोडाफोन कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव केस जीता है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है वोडाफोन, वोडाफोन है यह एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी है और इसकी स्थापना 16 सितंबर 1991 को वोडाफोन की स्थापना हुई थी। और इसका प्रेजेंट टाइम पे मुख्यालय वह लंदन में इसका मुख्यालय है। जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है उनका नाम है गेरार्ड क्लास टर्ली। नाम है प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वोडाफोन के। और जो वोडाफोन है इसके जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है उनका नाम है निक रीड। नाम है जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया है। यानी जो विश्व पर्यटन दिवस होता है यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। और जो विश्व पर्यटन दिवस 2020 में मनाया गया है, इस बार इसको मनाने का जो उद्देश्य है वह पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक करना है और रोजगार है इसकी संभावनाओं को बढ़ावा देना है। इस बार का जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया इसका उद्देश्य है। और जो विश्व पर्यटन दिवस 2020 में मनाया गया है इसकी आपको थीम याद रखनी। इस बार की थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बार की थीम है, आपको यह थीम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपना 79वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपना 79वां स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के कल्याण मंत्री हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन। अब बात आई है सीएसआईआर के, नहीं जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। सीएसआईआर की स्थापना, जो प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है शेखर सी मंडे। नाम है जो प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की गई है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की गई। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कर्नाटक राज्य है इसके मंगलुरु शहर में यह पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की गई है। बात आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड है यानी जो भारतीय तटरक्षक अकादमी है, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है उनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन। नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा। यानी जो सुरेश चंद्र शर्मा है इनको नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन वाला जो पहला देश बन गया है वह सिंगापुर बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो फेशियल आइडेंटिटी स्कीम होगी इसके अंतर्गत जो नागरिक होंगे वह चेहरे की स्कैनिंग कर सकते हैं और इससे वो ऑनलाइन बैंक खाता खुलवा सकते हैं। और ये सिंगापुर में ऐसा पहला देश जारी करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया है। अब बात आई है सिंगापुर की, जो सिंगापुर है इसकी जो राजधानी वह सिंगापुर सिटी है। और जिसके प्रेजेंट टाइम पे जो राष्ट्रपति है उनका नाम है हलीमा याकूब। और जो प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री उनका नाम है ली सिन लुंग। नाम है। जो प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है और जो इसकी करेंसी है उसका नाम है सिंगापुर डॉलर। नाम है। जो सिंगापुर है यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। मैंने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था इसका सही आंसर हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने
ऑपरेशन दुराचारी का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन दुराचारी का शुभारंभ किया, यानी जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मैंने लास्ट क्विज वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी जो क्विज के वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लास्ट क्विज होती है, या मैं डेली मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर्स की क्विज लेके आता हूँ, उसमें क्विज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। साथ ही उसका जो सही आंसर होता है मैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में आपको बताता हूँ, उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, यू राइस पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यू राइस पोर्टल लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की कुछ के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, लूसेंट और जीके की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की कुछ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।